लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया कि लैटिट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। तो लैटिट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, जी डैश का फॉर्मूला क्या था, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये आपने नोट किया था फॉर्मूला बुकलेट में, लैटिट्यूड का फॉर्मूला। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस जहां लैटिट्यूड कितना है 45 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जी डैश इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में आर गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में जी पता है 9.8 है, ओमेगा क्या होता है अर्थ का बोलो, ओमेगा क्या पुट करें 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड अर्थ का क्या होता है 24 आवर्स, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। बस अगला क्वेश्चन माइंड में आएगा, ये कैलकुलेशन कौन करेगा इतनी बड़ी, पहले 9.8 फिर आर की इतनी बड़ी वैल्यू, फिर ओमेगा कितना खतरनाक है, ओमेगा का भी स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर 45 1/2, ये आप ही करोगे। वैसे ऐसी कैलकुलेशंस आती कम है जहां पर आप इन मुश्किल में पड़ जाएं, टीचर को पता होता है कि यार ऐसा क्वेश्चन दें जो सॉल्व हो जाए, बट फिर भी ये क्वेश्चन है तो करना तो है ही। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर छोड़ दें, मेथड क्लियर है आपको कि कैसे करना है सॉल्व, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, करे अर्थ ने घूमना ही बंद कर दिया एक्सिस पे, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, नहीं है जी है, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट अ प्लेस इन द इक्वेटोरियल प्लेन। कह रहे जी इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब जाओ इक्वेटर पे जाके बैठ जाओ, इक्वेटर के ऊपर बताओ जी की वैल्यू होती क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो। तो इक्वेटर के ऊपर वैल्यू इसके इक्वल है, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर है। और अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो ओमेगा क्या हो जाएगा इसमें जीरो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ स्टॉप हो जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है जी, ओमेगा तो जीरो हो गया। क्लियर है यहां तक। तो कह रहे हैं जी चेंज कितनी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में, चेंज क्या आएगा, पहले अब नई वैल्यू इतनी है, नई वैल्यू जो है वो इतनी है, पुरानी वैल्यू इतनी है, तो चेंज क्या आएगा, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जी डैश माइनस, पहले कितनी थी जी एट इक्वेटर जितनी, जी डैश कितने है जी इक्वेटर के ऊपर वैल्यू कितनी है जी माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू गिवन है और ओमेगा फिर से वही 24 × 60 × 60 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेना आंसर, तो आर ओमेगा स्क्वायर आंसर रहेगा। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि अगर इक्वेटर के ऊपर अर्थ जब घूम रही थी तो ये वैल्यू, घूमना बंद कर दिया ओमेगा जीरो तो ये वैल्यू, तो चेंज इन जी कितना है, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस करके जी से जी कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर आंसर, और ओमेगा 2π/T है, टाइम पीरियड अर्थ का 24 × 60 × 60। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज्यूमिंग द होल वेरिएशन ऑफ वेट ऑफ द बॉडी विद इट्स पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन, जब वो वर्ड यूज कर देना ड्यू टू रोटेशन, इसका मतलब लैटिट्यूड की प्रॉब्लम है, अफेक्ट ऑफ रोटेशन या अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड एक ही बात है। वो कह रहे हैं फाइंड डिफरेंस इन वेट 5 kg, 5 kg बॉडी का डिफरेंस इन वेट निकालो जब वो इक्वेटर पे है और जब वो पोल्स पे है। तो एक काम करते हैं, ये बताओ कि इक्वेटर पे जी बड़ा होता है कि पोल्स पे बड़ा होता है, पोल पे तो फुल वैल्यू जी होती है इसकी 9.8, इक्वेटर पे कम हो जाती है। तो चेंज इन वेट क्या होगा, एम इंटू
जी एट पोल्स माइनस एम इंटू जी एट इक्वेटर, तो चेंज इन वेट आ जाएगा 5 केजी का। चेंज इन वेट में क्या है, आपने पहले इसको किस पे रखा, पोल्स पे, फिर आपने किस पे रखा, इक्वेटर पे। तो यहां पे एम कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, जी एट पोल्स माइनस जी एट इक्वेटर। पोल्स के ऊपर जी तो जी है, इक्वेटर के ऊपर क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, यही है। तो एक बार जी की जगह पोल्स की वैल्यू पुट कर दी और एक बार इक्वेटर की पुट कर दी, इसको फिर से ओपन किया, एम इंटू जी में से जी तो कैंसल, क्या बचा, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो जी पता है, एम पता है इसमें 5 के जी, आर पता है, ओमेगा पता है, भाई पुराना क्वेश्चन, एम से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये चेंज इन वेट आ जाएगा और आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। हालांकि इसके आंसर किस में गिवन है, ग्राम फोर्स में, मेरे को पसंद नहीं है न्यूटन, ठीक है, कौन करेगा ग्राम फोर्स में, 980 से डिवाइड करो, सीजीएस करो, क्या जरूरत पड़ेगी, न्यूटन में आंसर आता हो गया, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि मेथड क्या लगेगा इसमें, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लो, क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन करो, हाउ मेनी टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड द अर्थ शुड रोटेट। आज स्पीड ओमेगा है अर्थ की, तो आज स्पीड कितनी है ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या है 2 पाई बाय टी, टी का मतलब क्या है 24 आवर्स, 60 × 60 आज घूमने की ये स्पीड है रेडियंस पर सेकेंड। अब वो क्या कह रहे है? बताओ अर्थ कितने तेज घूमे so that apparent weight of an object at equator becomes zero, ताकि वो कह रहा है इक्वेटर के ऊपर वेट क्या हो जाए जीरो। देखो इक्वेटर के ऊपर m तो जीरो होता नहीं, तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्या रही होगी जीरो। तो इतनी, तो अगर मान लो apparent weight अगर जीरो करना है तो g को जीरो करना पड़ेगा, और इक्वेटर के ऊपर g की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर जीरो, पर मेरे को वेटलेसनेस करने के लिए जी इक्वेटर पे क्या करना पड़ेगा जीरो, मैंने जीरो कर दिया इक्वेटर के ऊपर, वो कह रहा है जीरो,
तो यहां से g की वैल्यू क्या आएगी, r ओमेगा डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जीरो तो वन ही होता है, चलो तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ g बाय r, तो नया ओमेगा आ गया, राइट क्लियर है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जी जीरो करना है तो ये ओमेगा आ गया। अब एक ओमेगा पुराना ओमेगा है, एक ओमेगा नया ओमेगा है, तो आप यहां पे जी की वैल्यू पुट करें और आर पुट करें, कुछ सॉल्व करके आंसर आएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू है, तो अगर आप टू इक्वेशन को वन इक्वेशन से डिवाइड करें तो ओमेगा डैश बाय ओमेगा की रेशियो डिवाइड करके इसको और इसको डिवाइड करके आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 17 आएगा। तो आपको कि कैसे पता, क्योंकि मैंने आंसर पढ़ लिया यहां पर 17 है, ऐसे पता, मैंने नहीं सॉल्व किया, तो आप इसे सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 17 आएगा। तो आप सोचो कि शॉर्टकट आए, कोई शॉर्टकट नहीं है, 17 आएगा, यानी कि अब जो नई स्पीड है वो 17 टाइम्स हो जाएगी पुरानी स्पीड के साथ, ये आंसर है। ठीक, पहला आंसर कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है। फिर दूसरा पार्ट है टाइम पीरियड का, बताओ क्या हुआ, जो ओमेगा की वैल्यू तो आ गई, जो टाइम पीरियड होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओमेगा डैश की जगह क्या पुट करें, 2 पाई बाय टी डैश, 17 इनटू ओमेगा की जगह क्या पुट करें, 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड कितने अर्थ का 24, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहां से टी डैश निकाल लेना, सॉल्व करके आएगा 1.4 आवर्स, 24 घंटे की जगह 1.4 आवर हो जाएगा। तो पहले ओमेगा डैश की रेशियो आएगी, फिर टाइम पीरियड की रेशियो आएगी आंसर। क्या इस स्टेप से को समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसमें कोई डाउट इसमें?